कंटिन्यू विद न्यूटन्स लॉस। ऑलरेडी वी हैव सीन सम पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, तो थोड़ा सा फर्स्ट टू लॉज में थोड़ा क्विक जाऊंगा मैं। तो फर्स्ट लॉ तो आई होप सबको क्लियर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है सब बच्चों को? हाँ सर क्लियर। यस सर। एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस टू बी इन एन ऑब्जेक्ट इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। एक्ट्स ऑन इट करेक्ट। तो आई थिंक यहां पर लिखा होगा मैंने ना। हाँ तो ये था मेरा न्यूटन का फर्स्ट लॉ करेक्ट। Then object, this is first law of Newton. Then second law क्या था Newton का? The force. Rate of change of momentum is directly proportional to the force applied. ठीक है? तो momentum is momentum क्या होता है? Mass into velocity होता है। ठीक है? और मैंने आपको क्या बताया था? Rate of change of momentum जब आप करते हो तो rate of change of momentum is delta p by delta t. Yes sir. Just like मैंने आपको example दिया था, rate of change of displacement which is delta x by delta t. Rate of change of velocity, which is delta v by delta t, like that, so on. So, rate of change of momentum happens to be delta p by delta t. ठीक है? हाँ बोलो। सर वो फोर्स वाला जो है सर। हाँ हाँ। अगर मास चेंज हुआ तो सर पूरे के ऊपर डेल्टा लगेंगे ना? हाँ पूरा। मैं बस वही आगे बता रहा हूँ, वही आपको आगे बता रहा हूँ। तो हमें यहाँ पे मोमेंटम चेंज देखना है। ठीक है, वो मोमेंटम चेंज मास चेंज की वजह से हो सकता है, मोमेंटम चेंज वेलोसिटी चेंज की वजह से हो सकता है। दो चीजों की वजह से आ सकता है यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम। तो ऑब्वियसली अभी यहाँ पर देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी है। ठीक है, और अगर यहाँ पर इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसकी वैल्यू होती है 1। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो अगेन अगेन एज वी सेड सर वो लाइक सर वो लाइक k इज इक्वल टू 1 सिर्फ अर्थ पे है ना, मतलब वो न्यूटोनियन फिजिक्स बस अर्थ पे अप्लाई होता है ना? न्यूटोनियन फिजिक्स में क्या होता है सर वो बस अर्थ पे ही अप्लाई होता है ना, बाकी अगर हम किसी होता है दिस इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। ओनली थिंग इज दिस इज न्यूटोनियन या क्लासिकल मैकेनिक्स जो हम देखते हैं इट इज ओनली फॉर नॉट वेरी हाई स्पीड्स एंड ऑल दैट। तो फिर वहां पे फिर रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स लगना स्टार्ट हो जाता है। हां सर, तो उस वक्त आइंस्टाइन का यही होता है ना, क्लासिकल एंड अनदर इज रिलेटिविस्टिक। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में वेलोसिटी का एक लिमिट है कि हम बहुत ज्यादा वेलोसिटी पे नहीं जाते, हम कितना 50 60 70 100 120 ज्यादा से ज्यादा, यू नो वी डोंट गो फॉर 250 300 400 500 वेलोसिटी। उतना भी जाओगे तो भी थोड़ा थोड़ा फिर रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा वहां पर। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो सर। एक क्लास के एंड में आप बता सकते हैं क्या कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स काम कैसे करते हैं? नॉन न्यूटोनियन फिजिक्स? ठीक है बता देता, बता दो। नहीं सर फिजिक्स नहीं सर, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स ना, फ्लूइड्स। हाँ सर। हाँ बता दो बता। ठीक है तो ओके चलो। उसके बाद हमने क्या देखा था कि अगर मान लो वेलोसिटी जो चेंज नहीं हो रही है, अच्छा यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है मास कॉन्स्टेंट, या वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन मास कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड। अब हमें पता है डेल्टा बी बाय डेल्टा टी क्या होता है, डेल्टा बी बाय डेल्टा टी एक्सेलरेशन है और फोर्स हमारा आई थिंक मास इनटू एक्सेलरेशन, लेटर आई थिंक आई हैव डिराइव्ड दैट। ओके एनीवेज तो यहाँ पर देखो मोमेंटम चेंज हो रहा है, मोमेंटम यहाँ पे किस रेट से चेंज हो रहा है, 2 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मोमेंटम इज चेंजिंग विद द रेट ऑफ 4 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12 है। सो मोमेंटम इज चेंजिंग विद द रेट ऑफ 4 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है तो आपको मालूम है डेल्टा पी यही तो आपका फोर्स होता है ना? हाँ सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यही तो फोर्स के बराबर था। तो फोर्स यहाँ पे कितना आ गया, 4 न्यूटन आ गया। आप इसको 4, तो जो भी आपका यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ रहा है, देखो यहाँ पे मोमेंटम किस रेट से चेंज हो रहा है फिर से ऑब्जर्व करो, इफ यू हैवंट ऑब्जर्व दैट। पहले कितना था, पहले सेकंड में 4 था, ठीक है करेक्ट। पहले सेकंड में मोमेंटम कितना था, 4 था। फिर दूसरे सेकंड में 8 हो गया, तीसरे सेकंड में 12 हो गया, फिर 16 हो गया। मतलब हर सेकंड मोमेंटम 4 केजी मीटर पर सेकंड से चेंज हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर हो रहा है ना, एवरी सेकंड करेक्ट। तो यहां पर मोमेंटम इज चेंजिंग एवरी सेकंड विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ 4 केजी मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, डेल्टा पी इज 4 केजी मीटर पर सेकंड और डेल्टा टी यहाँ पे कितना आ गया, 1 सेकंड। ठीक है तो इसको आप कैसे लिखो, तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी मेरा फोर्स के बराबर होता है, मास यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है ना।
So this comes up out 4 newton kg meter per second square. This is your newton. ये मैंने बताया था, ये जो unit है kg meter per second square, this is basically newton. Delta P by delta T की जो ये unit आ रही kg meter per second square, ये newton के बराबर है. ठीक है, इसको इसी को newton बोलते हैं actually. ठीक है ना बच्चों, यहाँ तक किसी को doubt है? No sir. No sir. Anyone with any doubt till here? नहीं सर, कोई डाउट नहीं. ओके, अब यहाँ पर हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो. हाँ सर, सर आप सर आप वापस रिपीट कर सकते हैं क्या सर, आपने क्या कहा था सर, क्योंकि ना सर मेरा इंटरनेट गया था सर. ओके, मैंने बस इतना बोला था, यहाँ पर मोमेंटम किस रेट से चेंज हो रहा है, 4 केजी मीटर पर सेकंड. यहाँ पर अगर आप डेल्टा पी निकालोगे, दैट इज 4 केजी मीटर पर सेकंड. ठीक है, और यहाँ पर डेल्टा टी कितना है, 1 सेकंड. तो फोर्स हमने अभी देखा था डेल्टा पी बाय डेल्टा टी है, तो दिस इज 4 केजी मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम इज 1 सेकंड. ठीक, तो दिस हैपेंस टू बी 4 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एंड ये सर सर मतलब दिस इज सेम एज न्यूटन. हाँ बोलो. यस, क्या मतलब सर? सर मतलब ये कांस्टेंट रहता है ना सर? हाँ, यहाँ पे कांस्टेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में कांस्टेंट है, मतलब फोर्स जो लग रहा है वो कांस्टेंट फोर्स लग रहा होगा. ओके सर, समझ में आ गया सर. आगे समझ में, चलो आगे बढ़े फिर. चलो, तो इसके बाद फिर हमने देखा था मास चेंज की वजह से देयर वाज सम फोर्स. अभी अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे देखो मास चेंज हो रहा है. ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, मास चेंज हो रहा है. तो मास चेंज की वजह से यहाँ पर जो वेलोसिटी का जो चेंज आएगा वो कितना आएगा, देखो एक 200 आ रहा है. यहाँ पे मोमेंटम की वैल्यूज अगर हम निकालें तो यहाँ पे 100 इंटू 2 200, 98 इंटू 2 196, 96 इंटू 2 192. करेक्ट, मास इंटू वेलोसिटी होता है ना. हाँ सर. तो यहाँ पर किस रेट से मोमेंटम चेंज हो रहा है? तो यहाँ भी 4 kg पर मीटर. यस, यहाँ पे भी 4 मीटर पर सेकंड. यस यस यस. तो यहाँ पे भी डेल्टा पी अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, 4 kg मीटर पर सेकंड आ जाएगा. ठीक है. यस सर. हाँ सर. और टाइम इंटरवल कितना है डेल्टा टी? सर 1 सेकंड. 1 सेकंड. सर यहाँ भी 4 न्यूटन फोर्स. डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इज 4. ठीक है, ठीक है ना? हाँ सर. हाँ सर. तो ध्यान रखो, हाँ फोर्स का जो यूनिट आता है करेक्ट, तो यहाँ पे भी 4 न्यूटन का. तो प्लीज रिमेम्बर सर, वो हेलो सर. सो दिस इज कंप्लीट इक्वेशन फॉर फोर्स. ठीक है, इस इक्वेशन को आपको याद रखना है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ. दिस इज अ कंप्लीट इक्वेशन फॉर फोर्स. प्लीज सर ये वापस बता दीजिए ना सर थोड़ा. क्या सर ये सम सर अभी आपने समझाया सर, ये इसमें भी देखो क्या है, आप ये तो आप ही देख के बता सकते हो. अभी यहाँ पर कितना है, 100 है, ये 98 है, 97. मास हर सेकंड चेंज हो रहा है, हो सकता है कोई रॉकेट हो जो 2 किलो का नीचे फेंक रहा है. ठीक है, उसका मास चेंज हो रहा है, हो रहा है ना? हाँ सर, हो रहा है, हो रहा है सर. अब बताओ यहाँ पर मोमेंटम की वैल्यूज ये है, मोमेंटम कैसे निकालते हो, मास इंटू वेलोसिटी. ठीक है, यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी 196, मास इंटू वेलोसिटी 192, मास इनटू वेलोसिटी 188, मास इनटू वेलोसिटी 184. ठीक है, तो अब बताओ किस रेट से मोमेंटम चेंज हो रहा है सर? 4 केजी मीटर पर सेकंड. 4 केजी मीटर पर सेकंड. तो यहाँ पे डेल्टा पी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 केजी 4 न्यूटन. और डेल्टा टी क्या है यहाँ पर? डेल्टा टी इज सेकंड. करेक्ट, तो केजी मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, दिस इज एक्चुअली योर फोर्स, जिसको हम न्यूटन बोलते हैं, या केजी मीटर. सर सर अगर यहाँ पर सर 1 सेकंड की जगह सर 2 सेकंड होता सर, तो 2 न्यूटन आता क्या सर? तो यहाँ पे 2 डाल देते आप, तो सर 2 न्यूटन आता ना सर? 2 न्यूटन आ जाता. यस हाँ सर. नहीं सर, रिकन्फर्म कर रहा हूँ सर. हाँ sir, बोलो और क्या डाउट. डेल्टा पी पर डेल्टा टी के सामने सर वो डेल्टा एम वी लिखा है सर, वो होल डेल्टा एम वी होना चाहिए ना सर? हाँ, तो ये होल ही है ना. तो सर आपने इसको एम को ही डेल्टा दिया है ना? ओके सर, ठीक है, अभी ठीक है. और सर ये उसके सामने सर ऐड क्यों किया है सर? क्यों
क्योंकि फोर्स किन किन दो चीजों की वजह से चेंज हो सकता है, या तो मास चेंज हो रहा हो उसकी वजह से होगा, या तो वेलोसिटी चेंज हो रहा हो उसकी वजह से हो रहा होगा, ठीक है ना सर? पर डेल्टा मतलब तो फाइनल माइनस इनिशियल ना? हाँ, तो या तो देखो हो सकता है कोई रॉकेट चल रहे ऊपर, ठीक है, अब जब उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है, हो सकता है किसी टाइम टी पर, ओके सम टाइम टी लेट से 10 या 15 सेकंड पर जब आपने उसको ऑब्जर्व किया, तब आपने उसमें ऑब्जर्व किया कि उसमें देयर वाज सम चेंज इन मास एंड देयर वाज सम चेंज इन वेलोसिटी आल्सो, तो जो फोर्स लगेगा वो दोनों की वजह से लगना चाहिए ना? हाँ सर, करेक्ट, हाँ सर, इसलिए अभी जब अगर मास चेंज नहीं हो रहा है तो आपका ये टर्म जीरो आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, दिस योर फोर्स 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 कम्स आउट टू बी m into delta v by delta t, जो कि acceleration mass, हाँ mass into acceleration, जो कि mass into acceleration, ये आपने पिछले क्लास में प्रूव किया था कि force is not always equal to mass into acceleration. Yes yes, otherwise ठीक है ना, तो वो जो हम बोलते हैं force is equal to mass into acceleration, वहाँ पर हमारा mass जो constant होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं mass into acceleration. Okay sir. समझ में आई बात? हाँ sir. Okay, चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग, ये सब क्योंकि हम लोग पढ़े चुके हैं आप लास्ट सेशन. हाँ सर, ये ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल पुल अर्थ जो खींचता है, नॉर्मल रिएक्शन मैंने आपको बताया था, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को चिपक रहे हैं, ठीक है, या पुश कर रहे हैं, पुल पुश कर रहे हैं, अगर एक दो कॉन्टेक्ट में है और दे आर पुशिंग ईच अदर, देन टेंशन फोर्स भी बताया था. यस, एंड देन वी सॉ टेंशन फोर्स आल्सो. सर, टेंशन और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों कांटेक्ट फोर्स में आता है ना? हाँ, टेंशन एंड नॉर्मल आर इन कांटेक्ट फोर्स. तो नहीं नहीं, टेंशन और फ्रिक्शन दोनों करेगा. इधर देखो, स्ट्रिंग अगर मान लो मैंने एक मास ऐसे लटका दिया और स्ट्रिंग इसको ऊपर की तरफ पुल करे, देन व्हाट वी से इज टेंशन फोर्स, ठीक है, समझ में आई बात? चलो, तो दीज दिस वॉज अवर लास्ट क्लास दैट वी हैव सीन. तो क्विक फ्रिक्शन फोर्स भी क्या था सर? सर हमने फोर्स सेकंड लॉ से क्या देखा, फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ठीक है, इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है, तो P को हम क्या लिख सकते हैं, m into delta, m into v into delta t. अब देखो जो फोर्स लग रहा होगा वो या तो मास चेंज की वजह से लग रहा होगा या तो वेलोसिटी चेंज की वजह से लग रहा होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्चुअली डिफरेंशिएशन से आता है ना? I delta, हाँ, उससे भी आता है, बट आप बिना डिफरेंशिएशन से भी समझ सकते हो, m into delta v by delta t, ठीक है, अगर मास इज कॉन्स्टेंट, इफ मास इज कॉन्स्टेंट तो क्या होगा, force is equals to mass into delta, mass is constant, तो delta m by delta t कितना हो जाएगा, zero हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो F कितना आ जाएगा मेरा, m into delta v by delta t, ठीक है? Yes, tell me. Sir, ये आपने delta mv by delta t को sir कैसे split किया sir? तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, या तो सिस्टम में जो भी, जैसे सपोज आप एक रॉकेट पकड़ते हो, ठीक है, लेट्स से अ रॉकेट इज बीइंग लॉन्च्ड फ्रॉम अर्थ, तो अब रॉकेट में क्या होता है, रॉकेट तो बहुत ज्यादा फ्यूल फेंकता है ना पीछे की तरफ, रॉकेट इजेक्ट्स आउट लॉट ऑफ फ्यूल, तो उसका मास भी तो चेंज हो रहा होगा. हाँ सर, करेक्ट ना, तो उसका मास भी चेंज हो रहा है, तो अब अगर मान लो मास चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से भी तो फोर्स लगेगा ना उस पर. अगर किसी सिस्टम का मास चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम, तो उसकी वजह से भी उसमें फोर्स लगेगा, और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसकी वजह से तो उसमें फोर्स लग ही रहा है, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में. ये सब बच्चों को क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है एकदम, ठीक है. और किसी का कुछ डाउट है तो अभी सर, सर मुझे नहीं है सर. ओके, डेल्टा है. देखो अगर आपको, इसीलिए मैंने ये अलग फिगर बना के दिखाया था यहाँ पर. देखो देखो, अगर मास चेंज हो रहा है तो क्या मोमेंटम चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है? यहाँ पर देखो, इस वाले डायग्राम में देखो, यहाँ पर अगर यहाँ पर मेरा मास चेंज हो रहा है, मान लो एक सेकंड में 2 किलो की गैस जो है वो बाहर निकल रही है, ठीक है, लेट्स अज्यूम इट लाइक दिस, बट वेलोसिटी मान लो इसकी कॉन्स्टेंट है, वेलोसिटी इसकी हमेशा कॉन्स्टेंट रह रही है, तो क्या इसका मोमेंटम चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है? हो रहा है ना सर, हो रहा है सर. जीरो पे कितना था मोमेंटम, 200 था,
फिर एक सेकंड बाद मोमेंटम कितना वो 196 हो गया, फिर दो सेकंड में मोमेंटम कितना वो 192 हो गया, फिर 0, 1, 2, 3 या थर्ड सेकंड में मोमेंटम कितना वो 188 हो गया। तो क्या हर सेकंड इसका मोमेंटम 4 केजी मीटर पर सेकंड से चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है, जस्ट टेल मी दिस। हां सर, मतलब उसका फोर्स भी चेंज हो रहा है मास के वजह से। तो और न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, न्यूटन का सेकंड लॉ ये थोड़ी ना बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की वजह फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। न्यूटन का जो सेकंड लॉ का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। तो यहां पे मोमेंटम के बारे में बोल रहे हैं न्यूटन, ठीक है, वो यहां पे ये थोड़ी ना बोले वेलोसिटी चेंज की वजह से जो मोमेंटम चेंज होगा, ऐसा थोड़ी ना बोला है न्यूटन। न्यूटन ने बोला मोमेंटम चेंज। अब मोमेंटम चेंज किसकी वजह से हो, किन किन दो फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, वेलोसिटी चेंज की वजह से डेफिनेटली हो सकता है, ठीक है, पर मोमेंटम चेंज मास चेंज की वजह से भी हो सकता है कि नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा है, मास और आपकी आवाज बीच में से ही ब्रेक हो रही है। हाँ सर, क्या हुआ आपकी आवाज बीच में से टूट रही है? अभी ठीक है वॉइस? हाँ सर। हाँ तो मैं बस यही बोल रहा था कि जो आपका मोमेंटम चेंज हो सकता है वो वेलोसिटी चेंज की वजह से हो सकता है, मास बी गिवन दैट मास इज कांस्टेंट, मोमेंटम चेंज आपका मास चेंज की वजह से भी हो सकता है गिवन दैट वेलोसिटी इज कांस्टेंट। हाँ सर, पर डेल्टा एम बाय डेल्टा टी कैसे आता है? हाँ तो यहाँ पे मास का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मास किस रेट से कम हो रहा है, 2 केजी एवरी सेकंड, यहाँ पे डेल्टा एम बाय डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 2 केजी एवरी सेकंड, उसमें क्या डेल्टा एम बाय डेल्टा टी, 2 केजी एवरी सेकंड, 2 केजी एवरी सेकंड मास इज मास उसका कम हो रहा है, समझा कि नहीं समझा? यस सर, यस। नहीं बात अभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं क्लियर है कि जो मोमेंटम का जो चेंज हो सकता है वो मास के चेंज की वजह से हो सकता है या फिर वेलोसिटी के चेंज की वजह से हो सकता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो मास होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो मास होता है कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक, ऐसे बहुत ही कम केसेस मिलते हैं जहां पे मास, इसलिए सर मतलब स्कूल में वो बताते कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, यस, तो इसलिए दिस इज द मोस्ट जनरलाइज्ड वे ऑफ राइटिंग न्यूटन्स लॉ दैट डेल्टा वी बाय डेल्टा टी तो एक्सीलरेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं एम इनटू ए, ठीक है। ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि कभी कभी आपको क्वेश्चन में पूछता है वो कि मास चेंज हो रहा है तो क्या उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो क्या फोर्स नेट फोर्स जीरो लगेगा भी उस पर, दे कैन आस्क यू लाइक दिस, वो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया यहाँ पर। हाँ सर क्लियर है, अभी सब बच्चों को क्लियर है, किसी को कुछ डाउट है तो इस इक्वेशन के बारे में थोड़ा देखते हैं। अभी समझो आपके पास एक ब्लॉक है और आप यहाँ पे 2 न्यूटन का एक ऐसा फोर्स लगा रहे हो और 3 न्यूटन का एक ऐसा फोर्स लगा रहे हो, आप क्या बोलोगे, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग हियर इन दिस केस, सो 5 न्यूटन, 5 न्यूटन बोलोगे ना, तो आप क्या करोगे 2 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन दोनों को ऐड कर दोगे, करेक्ट। तो उसी तरह यहाँ पर देखो क्या, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ मास की मास चेंज की वजह से कुछ फोर्स लग रहा है और वेलोसिटी चेंज की वजह से कुछ फोर्स लग रहा है, तो दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा ना। हाँ सर, यस सर, इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, सबट्रैक्ट नहीं किया, ठीक है, समझ में आई बात? यस सर, हां सर, तो हमें बेसिकली इसी इक्वेशन पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, व्हिच इज एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहां पर इसको बोलते हैं, ओके, तो इसको बोलते हैं एफ को बोलते हो यहाँ पे आप एफ नेट, क्या बोलते हो आप, एफ नेट, या इसको आप बोलते हो नेट फोर्स एक्ट, resultant force sir known as net force, to net force hota hai hamara hamesha mass into acceleration, yes bolo jaldi sir, aapne sir pichli sir matlab abhi sir wo sum kiya tha na sir homework mein sir, to sir aapne wo derive kaise kiya sir ki force zero lag raha hai sir, force zero lag raha hai agar maan lo aapka mass bhi change delta m by agar mass constant hai correct aur delta v by delta t bhi constant hai, अगर मान लो यहाँ पर डेल्टा वी बाय डेल्टा टी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, तो फोर्स जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो फोर्स चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। हाँ सर, फर्स्ट लॉ में देख चुके हैं कि एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी
एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन क्या था व्हाट वाज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट एन ऑब्जेक्ट क्या था जस्ट रिपीट दैट स्टेटमेंट Where an object continues to be in a state of rest or uniform motion in straight line unless an unbalanced external force acts on it. X unbalanced external force. तो यहाँ पे delta v by delta t zero हो गया ना उस केस में अगर वो uniform velocity से move कर रहा है तो delta v by delta t zero हो गया कि नहीं हो गया? हाँ sir. हो गया ना delta v by delta t zero. Okay. तो F net इस केस में क्योंकि वो velocity change ही नहीं हो रही तो zero हो जाएगा. Yes. ठीक है समझी बात की नहीं समझी हाँ सर किसने पूछा ईशान था कि यश था हु वाज इट ईशान समझ में आया आपको सर मैं ईशान ओके हाँ सर सर ये फोर्स नेट फोर्स जो है इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ये नहीं समझा मुझे हाँ ये बता रहा हूँ तब जैसे एक एग्जांपल हम समझते हैं इसका एग्जांपल देखते हैं सपोज एक फ्लोर पे आपने एक ब्लॉक ऐसे रखा है ठीक है यहाँ पर आपने एक 10 न्यूटन का फोर्स लगाया ठीक है अब यहाँ पर आपने एक 4 न्यूटन का फोर्स लगाया यहाँ पे जो मास है वो 3 केजी है तो बताओ जरा एक्सेलरेशन कितना होगा सर 2 meter per second square 2 meter कैसे निकाला सर मैंने फोर्स अपॉन मास करा फोर्स 6 न्यूटन जो कि 10 - 4 है अपॉन 3 केजी Yes. ठीक है तो यहाँ पर जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा 10 - 4 का लगेगा ठीक है हाँ सर तो ये कितना हो गया नेट फोर्स 6 न्यूटन का हो गया अच्छा एक चीज और ध्यान रखना यहाँ पर देखो मास की यूनिट क्या होती है केजी एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो फोर्स की जो यूनिट होती है SI यूनिट हाँ सर को हम न्यूटन बोलते हैं ठीक है मैंने पहले बताया था और जो सीजियस यूनिट होती है वो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड दिस इज नोन एज सर डाइन दिस इज नोन एज डाइन सर ये क्या बताया ये क्या बताया डाइन नाइन सर सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड ना यस तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स सर 10 टू द पावर 5 या प्रूव करना है खुद से ठीक है प्रूव इट योरसेल्फ हां सर हमने मेजरमेंट में ही किया था हमने मेजरमेंट में किया था इसको देखो सर क्योंकि सर 1 मीटर सर 10:2 हो गया सर हां तो सिंपल है 1 किलोग्राम कितने 1 किलोग्राम इज 10:3 ग्राम्स ठीक है 1 मीटर इज 10 to the power 2 और सेकंड स्क्वायर तो वैसे का वैसे ही रहेगा तो कितना 10:3 - 10:5 हो गया सर बहुत ही सिंपल प्रूफ है इसका ओके तो ये बात समझ में आई यहां पे नेट फोर्स कितना लग रहा है 6 न्यूटन लग रहा है और क्या गया सर थोड़ा सा लिटिल बिट ऊपर स्क्रॉल करो बस ओके सर हो गया सर तो हो गया सर ओके सर नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स हाँ नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स एक्टिंग ठीक है नेट फोर्स 6 न्यूटन का लग रहा है इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में प्लस एक्स के डायरेक्शन में ओके और हम क्या बोलते हैं बच्चों नेट फोर्स पे तो हम बोलते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन बोलते कि नहीं बोलते हाँ सर तो एक्सीलरेशन मास अपॉन फोर्स मास कितना है 3 एक्सीलरेशन कितना है a A will be 2 meter per second square positive. ये इसका direction क्या होगा? The plus. Positive sir. Plus x. Along x axis. Plus x axis. तो इसको ध्यान रखना. तो यहाँ पे net force बच्चों clear हो क्या होता है? What is net force? हाँ sir clear. Total force acting on the body mass. Yes total force. तो last class में हमने देखो क्या कौन-कौन से forces देखे थे? हमने देखा था नॉर्मल मतलब क्या हुआ दो ऑब्जेक्ट जब टच करते हैं एक दूसरे को और दबा रहे एक दूसरे को तो वो एक दूसरे पर नॉर्मल रिएक्शन एग्जर्ट करेंगे सर ये एक टाइप ऑफ थ्रस्ट है ना हाँ इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रेसिंग फोर्स ठीक है जैसे अगर मान लो आपने कोई हैवी चीज फ्लोर के ऊपर रखी है
तो ब्लॉक क्या करेगा, फ्लोर को प्रेस करेगा, तो फ्लोर ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। फिर हमने टेंशन फोर्स देखा था, मतलब नॉर्मल रिएक्शन ही ऑब्जेक्ट की रिजिडिटी मतलब ये डिफाइन करता है ना। नॉर्मल रिएक्शन रिजिडिटी का यहाँ पे कोई सवाल नहीं है, रिजिडिटी इज डिफरेंट थिंग, रिजिडिटी इज बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर थिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट हैज नथिंग टू डू विद नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है सर, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं थोड़ा सा? यस कर दिया। हाँ सर। ओके सर, और लास्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, जो एक दूसरे पे लगता है व्हेन इट इज अपोजिंग द मोशन। ओके, अब न्यूटन का बच्चों थर्ड लॉ समझने का कोशिश करते हैं अभी हम लोग। ठीक है, तो चलो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द थर्ड ऑफ न्यूटन। बहुत ही इंटरेस्टिंग है न्यूटन का थर्ड लॉ, पता भी होगा आप सबको। Every action has an equal and opposite reaction. These action and reaction pairs always act on two different bodies. Yes, yes, yes. वो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट होने चाहिए। हाँ, yes, yes. तो मैं लिख देता हूँ, to every action. नहीं तो सर, फिर normal reaction और Newton's third law में फर्क ही नहीं होता सर। Equal and opposite reaction. और सर दोनों फोर्स एक ही नेचर के होते हैं सर, रिएक्शन और एक्शन। हाँ देखते हैं देखते हैं देखते हैं। चलो अभी आप ही लोग मुझे बताओ, अब बताओ इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। एक तो सर एक बाय डिफॉल्ट एमजी लग रहा होगा, एक एमजी अर्थ रिएक्शन लग रहा होगा। यस, एक नॉर्मल रिएक्शन क्योंकि कॉन्टेक्ट। अभी अगर मैं केवल यही वाला फोर्स बना दूंगा तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाना चाहिए था, तो बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो अगर मान लो यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एक 10 न्यूटन का फोर्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? हाँ सर। हाँ सर, सर एक्सेलरेट करने लगेगा सर। हाँ सर, उसे रेस्ट या बैलेंस पर रखने के लिए। यस, तो यहाँ पर एक फ्लोर क्या करेगी, फ्लोर विल एक्सर्ट अ नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, ये भी 10 न्यूटन का होगा। सर अगर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा होगा सर, नीचे जा रहा होगा, तो वो सेम नहीं होगा, कम होगा नॉर्मल रिएक्शन। हाँ होगा ही नहीं, तब की बात अलग, अभी का ये अलग केस समझो ना। हाँ सर, रेस्ट में। ठीक है ठीक, तो अभी यहाँ पर mg कितना लग रहा है, 10 न्यूटन लग रहा है, और ये इस पे इसको आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, इस फोर्स को आप जो फ्लोर लगा रहे हैं इस पे आप इसके सेंटर ऑफ मास पे ड्रॉ कर सकते हो लाइक दिस। हाँ सर, वैसे भी डिनोट कर सकते। तो क्या ये दोनों क्या हम बोल सकते हैं इनको, अभी जिसको पता है आंसर बोलो मत, अपना हैंड रेस करो, ये नॉर्मल रिएक्शन होगा। ठीक है ओके, तो क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं, क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर हैं? टू एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आपका आंसर चैट में लिख सकते हो, नो या यस जो भी है। चल जल्दी से लिखो सर, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। चलो देखते हैं यहाँ पर टू एवरी एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन है कि नहीं। तो यहाँ पर आंसर है कि क्या, अगर मैं आपको बोलूं mg और नॉर्मल रिएक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो आपका आंसर होना चाहिए दे आर नॉट एक्शन रिएक्शन। No, answer should be no. So there was a mixed response. तो सब कुछ बच्चे no बोल रहे थे, कुछ बच्चे yes बोल रहे थे। तो they are actually not action-reaction pairs. ठीक है? Action-reaction pair हमेशा different bodies पर लगते हैं, हमेशा ध्यान रखना इस बात को। हाँ sir. To every action equal and opposite reaction acting on two different bodies. Sir इसमें same ही body packed कर रहे हो block पे? Yes. ठीक है, acting on two different bodies. हाँ सर, क्योंकि हम हमारी बॉडी मतलब जब चलते हैं हम, तो हमारे पैर फ्लोर पे फोर्स डालते हैं और फ्लोर अपोजिट रिएक्शन हमारे बॉडी पे डालते हैं, तो इसके वजह से देखो यहाँ पर यस यस करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये mg अर्थ इस मास को तो खींच रही है और ये मास भी अर्थ को खींच रहा है, देखो सेम फोर्स है करेक्ट। तो ये जब फ्रॉम सेंटर यस, ये अर्थ जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मालूम होगा, अब सपोज अर्थ यहाँ पर है, मून यहाँ पर है, तो अर्थ क्या कर रही है, मून को खींच रही है, मून भी तो अर्थ को खींच रहा है ना। हाँ सर, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, ये दोनों हो गए आपके एक्शन रिएक्शन पेयर्स। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो ब्लॉक है, ये अर्थ जो है अर्थ ब्लॉक को खींच रही है अपनी तरफ, ब्लॉक को अर्थ खींच रही है अपनी तरफ विद द फोर्स mg, और ब्लॉक भी अर्थ को खींच रहा है अपनी तरफ विद सम फोर्स। सर तो फिर यस होगा ना? तो नहीं, तो अगर सेम बॉडी पे लग रहे तो हम नहीं बोल सकते एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है,
यहाँ पर एक्शन, तो इसका रिएक्शन पेयर कहाँ पर, अगर आप इसको एक्शन, वो भी mg होगा या सर, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के इसमें से होगा ना सर? क्या सर, ये जो एग्जांपल है सर वो ग्रेविटी का और नेचुरल रिएक्शन का, तो क्या हुआ सर? सर तो क्योंकि अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं एक्ट करना है, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा ना। हाँ हम इस बॉडी में देख रहे हैं ना फोर्स, ये बात अलग है कि इस एक्शन की वजह से यहाँ पे एक रिएक्शन पेयर होगा, लेकिन हम तो इस बॉडी पर ही फोर्स देख रहे हैं ना। सर्वो, लेकिन लाइक इंटरस्टेलर में वो कुछ तो दूसरा ही बोला था, न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, विल सी दैट थिंग बाद में देखेंगे सर। ये अभी पहले बताओ, समझ रिपीट कर सकते हैं कौन सा बताया था वो? ओके, फिर से सुनो इस बात को। अभी जब ये ब्लॉक को आपने किसी फ्लोर पर रखा है, ठीक है, तो अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है, मान लो अर्थ इसको 10 न्यूटन के फोर्स से खींच रही है, ठीक, तो ये ब्लॉक भी तो अर्थ को खींच रहा होगा अपनी तरफ 10 न्यूटन के फोर्स से, जस्ट लाइक हियर अर्थ एंड मून। इस सिस्टम को देखो, मून क्या कर रहा है, अर्थ को खींच रहा है अपनी तरफ, खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है, और अर्थ मून को खींच रही है अपनी तरफ, मून अर्थ को खींचता है, इसलिए तो टाइड्स और ये सब हमें देखने को मिलते हैं ना, है कि नहीं है? टाइड्स क्यों आते हैं? मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आते हैं ना, मून और सन की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ठीक है ना? हाँ यस सर। तो इधर इट एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, इधर अर्थ और मून के एग्जांपल, ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो सर, हाँ यस सर, न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे बेस्ड, मतलब उस थर्ड लॉ में ही फोर्स एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज ना। हाँ, फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा सर। यस यस, बोलो सर। पर फिर इसके तो अंदर सर ब्लॉक सर ग्राउंड के ऊपर लगा रहा है, फिर ग्राउंड ब्लॉक के ऊपर लगा रहा है। हाँ, इस पर आते हैं, नॉर्मल रिएक्शन पर आते हैं। तो फिर सर अब देखो, हाँ आप बताओ, अब देखो अभी क्या है, इस ब्लॉक पर ये फ्लोर जो है एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे एग्जर्ट कर रहा है, हाँ सर, और ये जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक भी इस फ्लोर पर, इसको ब्लॉक भी तो प्रेस कर रहा होगा फ्लोर को, हाँ सर, यहाँ पे एन फोर्स से प्रेस कर रहा होगा, यस सर। यहाँ पर देखो दो अलग अलग बॉडीज होंगे, तो इस ब्लॉक पर देखो कौन कौन से दो फोर्सेस लग रहे थे, एक एम जी का फोर्स लग रहा था, ठीक है, जिसका रिएक्शन पेयर यहाँ पर था आपका, यस सर, रिएक्शन पेयर, रिएक्शन पेयर, और एक फ्लोर इस पे ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लगा रही होगी, और ये ब्लॉक भी फ्लोर पर ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा। इतनी बात क्लियर है क्या सर? और मैग्नीट्यूड सेम होगा ना? हाँ, मैग्नीट्यूड सेम होगा, बिकॉज ये इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस है ना। हाँ सर, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट है, ऑपोजिट इनफैक्ट। और सर आपने बोला कि फोर्स तो फोर्स हमेशा पेयर में लगेगा, मतलब क्या ये पेयर हो गया ना, ये एन एन, देखो ये पेयर हो गया कि नहीं हो गया, सी दिस, अच्छा क्या ऑपोजिट और इक्वल के मतलब न्यूटन पेयर में होंगे क्या, ऑपोजिट और इक्वल? यस सर। वो आप एक दो क्वेश्चंस कराओ ना सर। करवा रहा। अब जरा आप सोचो यहाँ पर, टेक सम टाइम, 2-3 मिनट लो, और मैं यहाँ पर एक केस बना रहा हूँ, आप इसमें थ्रेड पे बताओ फोर्सेस कौन कौन से बनेंगे, और इस ब्लॉक पे बताओ कौन कौन से फोर्सेस बनेंगे, ठीक है सर? वापस रिपीट करो सर क्वेश्चन। बता रहा हूँ सर, पर इसका आंसर कैसे देना है सर? जस्ट आप ड्रॉ कर लो और मुझे बता देना यहाँ पे फोर्सेस के डायरेक्शन ऐसे ऐसे, ठीक है? हाँ सर। तो ये मास एम है, अभी आपको मालूम है स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स लग रहा होगा? टेंशन फोर्स लग रहा होगा, ठीक है? तो अभी ड्रॉ फोर्सेस ऑन मास एम एंड स्ट्रिंग, जल्दी से ड्रॉ करो और थोड़ा सोचो इस पर, ठीक है? 2-3 मिनट लो, इसको ड्रॉ कर लो पहले तो, और फिर इसके बाद इस पर मास पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, स्ट्रिंग पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, वो ड्रॉ करने का सोचो। और सर यहाँ पे नोटेट मत, और सर मास कौन से फोर्सेस लगा रहा है वो नहीं दिखाना है ना? नहीं सर, आप तो बोले ना एनोटेट करना है। हाँ सर, लेफ्ट वाले फिगर में वो क्या लिखेंगे? चलो मैं आप पूछता हूँ, मैं लास्ट जो बच्चे आंसर नहीं करते मैं उनसे पूछता हूँ। चलो शर्वरी आप बताओगे, सोमन डोंट एनोटेट, नो वन शुड एनोटेट, शर्वरी आप बताओगे,
सर क्या yes, आप बताओ इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे? एक सेकंड रुक जाओ बच्चों, लेट एवरीवन आंसर करेक्ट. सबसे mg व्हिच इज ग्रेविटेशनल फोर्स. हां तो ये mg का फोर्स कहां पे लगेगा सर बताओ? ऊपर. mg ऊपर लगेगा मतलब वो नीचे खींचेगा. हां mg नीचे लगेगा ना, नीचे खींचेगा. हां इस ब्लॉक पे बताना है आपको कौन और बताओ और कौन सा फोर्स लग रहा होगा इस पे. सर स्ट्रिंग है तो टेंशन फोर्स. किसने बोला टेंशन? मी श्रुतिया. तो टेंशन बताओ श्रुति, टेंशन फोर्स कहाँ पे लगेगा? सर ऊपर. सर ऊपर की डायरेक्शन ऑन द स्ट्रिंग लाइक. ओके करेक्ट. ये तो एक बात हो गई. अब चलो इस स्ट्रिंग में देखते कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे. सर दो लगेगा ना, देखते हैं कितने फोर्सेस लगेंगे. एक सेकंड. अब मुझे सर मैंने आपको आंसर भेजा था सर व्हाट्सएप पे. अब भेजो भेजो भेजो. आदि आप बताओगे? आदि यस आदि बताओ. चलो स्ट्रिंग में कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? यू देयर आदि? आदि नया बच्चा है क्या? हाँ नया है. आदि मतलब आदित्य कुलकर्णी. वो डी आदित्य कुलकर्णी है क्या? यस बताओ चलो जल्दी से. आदि यू देयर और नॉट? आदि सर हूँ पर मुझे नहीं समझा सर कैसे यहाँ पर बताओ इस स्ट्रिंग पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे. सर मैंने आपको भेजा सर करेक्ट है क्या? एक सेकंड देख लो देख लो. यस आदि यू देयर? ओके हेलो सर. हाँ बोलो बोलो. पता नहीं चल रहा सर हार्ड है. हेलो सर मैं बताओ. एक सेकंड रुको, जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे उनको थोड़ा आंसर कर. सर मैं टेल. आदित्य सर मैं बोलूं? हां सर. हां बोलो चलो आदित्य बताओ. सर स्ट्रिंग पे ग्रेविटेशनल और स्ट्रिंग का ठीक है चलो स्ट्रिंग का कुछ मास होगा तो स्ट्रिंग का मास सर पर मासलेस लेते हैं ना जनरली. चलो ठीक है इस लेवल पे ठीक है कुछ थोड़ा बहुत तो मास होगा. ठीक है एम डैश ले लेते इसको. चलो और बताओ आदित्य कौन-कौन से फोर्सेस होंगे? सर टेंशन. टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा? ऊपर होगा या नीचे होगा? सर इसमें नीचे होगा. वेरी गुड. और क्या फोर्स लगेगा? सर वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटी फोर्स. यस और क्या फोर्स लग रहा है इसमें? सर ग्रेविटी. और सर वो स्ट्रिंग किससे अटैच है? मतलब स्ट्रिंग तो दीवार से अटैच है ना. देखो यहां दीवार से है ना. सर एक्चुअली दो टेंशन लगेगा ना, एक ऊपर से नीचे और एक नीचे से ऊपर. तो अभी यहाँ पर चलो और कौन सा तनिष्क बताओ और कौन सा फोर्स लगेगा? यस तनिष्क. यस सर. हाँ बताओ अभी और कौन सा फोर्स लगेगा इसमें? सर वो ऊपर भी टेंशन फोर्स लगेगा. तो डायरेक्शन बताओ. ऊपर. कैसे बनाऊ? ऐसा बनाऊ कि ऐसा बनाओ? अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स? अपवर्ड्स. यस सर मैंने करेक्ट भेजा क्या आपको? देखे मैंने. आपने देखो आपने ऐसे बनाए के भेजा है क्या? हाँ सर वो वैसा अपवर्ड. हाँ सर इसको एफ बोले. तो आपने आर्यन मुझे कैसा भेजा है? लेट मी सी. ओके सो आपका मैं देखता हूँ एक मिनट. हाँ तो सर वो अपवर्ड फोर्स का बताना सर. मैंने आपको अपवर्ड फोर्स जो है वो कौन सा भी अलग फोर्स है. यस. और आर्यन आपने जो देखो स्ट्रिंग में स्ट्रिंग का चलो एमजी लगा दिया आपने दैट्स ओके. लेकिन स्ट्रिंग में हमने टेंशन फोर्स नहीं बनाया. स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? अंजलि का भी मैं देख लेता हूँ. अंजलि ने भी भेजा मुझे. ओके तो अच्छा ये आपने होमवर्क भेजा क्या अंजलि मुझे? ओके सर सर ये आपने एफबीडी बनाया है ना? हाँ दिस इज नोन एज फ्री बॉडी डायग्राम. ठीक है समझ में ही बात की नहीं आई बच्चों? देखो सिंपल सा लॉजिक है. अर्थ जो है इसको खींच रहा है नीचे की तरफ और ये ब्लॉक भी अर्थ को खींच रहा है. ये ब्लॉक जो अर्थ को खींच रहा है ऊपर की तरफ.
ठीक है, तो ये हो गए आपके एक्शन रिएक्शन पेयर्स। अब ये जो ब्लॉक है क्योंकि नीचे जा रहा था तो स्ट्रिंग इसको खींच रहा था ऊपर की तरफ, और ये ब्लॉक स्ट्रिंग को खींच रहा था नीचे की तरफ, तो दैट मीन्स अभी यहाँ पर ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, ये हो गया एक्शन रिएक्शन। हाँ सर, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हो गए, दे एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। सर नहीं आ रही है बात? आपने मेरा देखा नहीं सर, भेजा हुआ आंसर आप चैट में भेजा क्या? नहीं सर, मैंने आपको व्हाट्सएप पे सर फिगर भेजा है सर। अच्छा अच्छा, अभी भेजा क्या आपने? ओके हाँ सर। और उसका भी एम डैश जी का भी होगा ना रिएक्शन पेयर? जी क्यों लिख दे, एम जी लिखना पड़ेगा ना सर, एम डैश जी वो स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग का एम डैश जी लिखना, स्ट्रिंग का सर एम जी लिखना है ना सर। यस यस, स्ट्रिंग का एम डैश। और सर बाकी का बराबर है सर? देखो यहाँ पे मैंने बनाया, यू कैन जस्ट रीड्रॉ इट इन अ नोटबुक, ठीक है सर? एम डैश जी मतलब क्या मतलब होता है? मास का लिया क्या मतलब? दिस इज ओके, आई राइट इट हियर, दिस इज व्हाट, दिस इज मास ऑफ स्ट्रिंग। पर स्ट्रिंग का मास का ऑलमोस्ट हम इसको वी कैन ऑलवेज एप्रोक्सीमेट इट टू जीरो, हम स्ट्रिंग का मास पकड़ते नहीं कभी। हां सर, मासलेस स्ट्रिंग ले लेते, मासलेस लेते, बट एक्चुअली में कुछ तो मास होगा। हां सर, कुछ तो होता है, पर कैलकुलेशन करेंगे तो हम एम डैश जी को जीरो पकड़ेंगे, 0001 हाँ नहीं, बस मैं जस्ट एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये 10 केजी का ब्लॉक है, 2 केजी आर्य ने सब इंटरनेट पे जाने वाले हैं। या दिस इज 10 केजी ब्लॉक एंड दिस इज 2 केजी ब्लॉक, आप यहाँ से इसमें 24 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, ठीक है? अब देखो ये वाला ब्लॉक इसको प्रेस कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में कुछ नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट होगा, तो वही आपको नॉर्मल फोर्स फाइंड करना है। और चाहिए यहाँ पर एक और केस ले लेते हैं। ओके सर, समझ में आ गया। बोथ द ब्लॉक्स, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक। तो चलो 2-3 मिनट का टाइम दे दो, सब बच्चे मुझे आंसर बताओ क्या होगा इसका। सर मेरा सॉल्व हो गया सर, दो सर मेरा अभी करेक्ट है। नील, यस नील अभी आपका सही है, वेरी गुड। हाँ सर, मैं दोनों मासेस को सम अप करना भूल गया। यस यस सर, तो देखो 10 केजी वाला जो ब्लॉक है उसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक तो एमजी का फोर्स लग रहा होगा, अर्थ खींच रहा होगा ना, सो ग्रेविटेशनल पुल। और देखो अभी फ्लोर उस पर नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट कर रहा होगा, ठीक है? हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो सर, हेलो सर। सर वो वाई एक्सिस के अलोंग तो ये मतलब मूव ही नहीं कर रहा ना। हाँ तो ठीक है, बट स्टिल वी कैन शो इट। हाँ सर, फिर भी फोर्स तो लग रहा है ना। ये यहाँ पर देखो अभी यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है? यहाँ पर 24 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, और यहाँ पर अभी ये 2 केजी वाला डायरेक्शन में नॉर्मल, किस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगाएगा? देखो ये 10 केजी वाला इसको पुश कर रहा होगा, तो 10 केजी वाला ब्लॉक 2 केजी पे इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ठीक है? इसको हम आर बोल देते हैं। और ये 2 केजी वाला ब्लॉक इस वाले ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर लगाएगा, ठीक है? इतनी बात क्या? हाँ सर, वो आर तो सर 24 ही होगा ना, क्योंकि बॉडी नहीं 24 नहीं होगा। रुको बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, रुक जाओ देखो सर, देखो सॉल्व कर रहा हूँ मैं। देखो अभी यहाँ पर एक और फोर्स mg का लग रहा है, और यहाँ पर एक n dash, ठीक सर? वो m, हाँ सर m, ठीक है ना, दोनों मासेस अलग अलग है ना। हाँ सर। अब बच्चों यहाँ पर आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो, आप चाहते तो पहले सेकेंड वाला पार्ट सॉल्व कर सकते थे। हाँ सर, मतलब एक सिस्टम मान के, इसको एक सिस्टम समझ लो। अभी समझ लो 12 किलो का एक ब्लॉक है, उसको आपने 24 न्यूटन से पुश किया, तो उसमें एक्सेलरेशन कितना लगेगा? 2 मीटर पर सेकंड। सर जब नील ने बोला ना कि एडिंग करना था, तब मुझे मेरा दिमाग चला कि एक्सेलरेशन वैसा नहीं। यस, तो अभी हम पहले हम क्या करते हैं, अभी इसमें इसका पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करते, तो सेकंड वाला हम कर लेते हैं पहले। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है? मैं इसको आपको दो तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या आप क्या अज्यूम करोगे?
फोर्स इज मास, तो फोर्स कितना लग रहा है 24, मास कितना है 12, और एक्सीलरेशन a, तो एक्सीलरेशन आ गया मेरा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ सर। समझ में आई बात कि नहीं आई? सर मुझे नहीं समझ में आ रहा सर। सर पर आपने तो इसके अंदर सर फला निकाला है ना? क्या क्या सर? आपने वो 12 केजी जो लिखा सर, वो तो पूरे का है ना? हाँ पूरे। आप देखो, आप अगर दो चीजों को ऐसे ऐसे एक दूसरे से चिपका देते हो, ऐसे रख देते हो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट रख देते हो, और फिर आप फोर्स लगाते हो, दोनों सेम एक्सीलरेशन से मूव करते हैं कि नहीं करते हैं? सर मतलब दोनों का सेपरेट ब्लॉक एक का निकालना, ब्लॉक बी का निकालना। यस, आप एक बुक को यहाँ पे रखो, ठीक है? आप अपनी फिजिक्स की बुक को यहाँ पे रखो और केमिस्ट्री की बुक को यहाँ पे रखो, ठीक है? सर मतलब हमको उन दोनों का कंबाइन करके सिर्फ ये करना था क्या? यस, मैथ्स की बुक को यहाँ पे रखो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बुक को यहाँ पे रखो और यहाँ पे पुश करो, तो आपकी तीनों बुक साथ में चलेंगी कि नहीं चलेंगी? हाँ सर, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस विल बी सेम। तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस विल बी सेम इन ऑल द थ्री केसेस, है कि नहीं? तो थोड़ा सोचना था आपको, एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस होगा तीनों के तीनों इस यहाँ पर तीनों बुक्स में सेम होगा, ठीक है? सर मुझे सर क्वेश्चन में सर गलत मीनिंग का मुझे समझ रहा है सर, मुझे लगा कि ये 10 केजी के ब्लॉक का सर निकालना एक्सीलरेशन और उसका में 2 केजी। सर वो मैंने भी वही किया। चलो अभी समझ में आया ना? करेक्ट। आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन ऐसा लग रहा होगा, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन ऐसा लग रहा होगा, ठीक है? सर फर्स्ट कैसे करेंगे? ओके, अब देखो, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? अब आपको पता चल गया एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे भी आपको पता चल गया एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है? अब यहाँ पे सिंपल सी इक्वेशन बना लो, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लग रहा है? एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है ना? एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो इसको आप कैसे लिखोगे? 24 माइनस आर, ठीक है? यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो गया? अभी सपोज मैं यहाँ पे बोल देता आपको आर मान लो 10 न्यूटन है, तो आप क्या बोलते? नेट फोर्स कितना था? 24 माइनस 10। अब हमें आर की वैल्यू पता नहीं, आर इज एन अननोन थिंग, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? 24 माइनस आर, करेक्ट? दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। यहाँ पे मास कितना है? मास है 10 केजी का, ठीक है? तो कितना हो गया ये 24 माइनस आर इक्वल्स टू 10 इंटू ए। ए कितना है मेरा यहाँ पे? ए इज कितना है? 2 है, तो डायरेक्टली लिख देते हैं 20 होगा ना? हाँ। तो आर बताओ, आर यहाँ पे 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो आर 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो आर आपका 4 आ जाएगा, ये आपका कितना आ गया? दिस इज इक्वल टू 20। तो 24 माइनस व्हाट शुड गिव यू 20, यहाँ पे आर के लिए सॉरी 4 आनी चाहिए, यहाँ पे आर की वैल्यू 4। अच्छा मतलब 2 किलो का बॉक्स 4 एन न्यूटन। यस, अब यहाँ पर देखो, अब इस वाले ब्लॉक पे देखो, इस वाले ब्लॉक पे हम अच्छा एक्स एक्सिस की तरफ ही सारे फोर्सेस देख रहे हैं, वाई एक्सिस इज ऑलरेडी बैलेंस, तो हम वाई एक्सिस को यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर हम केवल एक्स एक्सिस को ही कंसिडर कर रहे हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर अभी R मेरा कितना, यहाँ पर क्या हम बोलेंगे, यहाँ इसका जब आप इक्वेशन बनाओ, यहाँ पे तो केवल एक ही फोर्स लग रहा है R, और कोई दूसरा फोर्स लग रहा है यहाँ पर? नहीं सर। तो आप क्या बोलोगे? R इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, यहाँ पर इस वाले तो फ्रिक्शन भी लग सकता है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस से डाल रहे हो, कहाँ पे x एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फ्रिक्शन भी लग सकता है ना अगर नीचे? नहीं, बट ये फ्रिक्शन लेस है, यहाँ पे मैंने फ्रिक्शन के बारे में कुछ बोला नहीं ना आपको, यहाँ पे फ्रिक्शन लेस सरफेस, ठीक है? अरे हाँ सर, r जीरो फ्रिक्शन तो यहाँ पे भी लगेगा फिर, तो सर r 24 जब ये a जीरो होगा ना? यस। अब देखो इसका मास कितना है, इसका मास है 2 केजी, ये 2 केजी का था ना? एक्सीलरेशन कितना है 2, सो 2 * 2 ये कितना, ये भी कितना 4 न्यूटन आ गया, तो न्यूटन का थर्ड लॉ वैलिड है कि नहीं है? तो एवरी रिएक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, वैलिड है कि नहीं है? एकदम वैलिड है सर। ओके, समझ में आए बच्चों आपको ये कैसे करना है? समझ में आया? एक्सप्लेन इट वंस अगेन। ओके बता देता हूँ, 24। हाँ यस सर, रुको मैं इसको आपको दूसरे तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ। अभी देखो, अभी मैंने आपको यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस बताए थे, यहाँ पर देखो एक दूसरे तरीके से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो जल्दी से बना लेते हैं ब्लॉक्स को। ये ब्लॉक हो गया मेरा, ये 10 केजी वाला ब्लॉक है, एम जी
नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, एम जी हो गई, नॉर्मल रिएक्शन हो गई, ओके, एंड दिस इज हाउ मच, दिस इज यहाँ पे 24 न्यूटन का लग रहा है और यहाँ पे लग रहा है आर, ठीक है, और इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा था, इसमें केवल आर लग रहा था, यहाँ पे एम डैश डी, आप क्या बोले आर्यन? सर मैं ये कह रहा था सर, हाँ इस तरह आपने आर आपने आर लिया और फिर 24 न्यूटन नहीं लिया, क्योंकि सर एक्सीलरेशन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जीरो ही होगा। हाँ यस यस यस, आर मैंने 24 इसलिए नहीं लिया क्योंकि एक्सीलरेशन जीरो नहीं है ना यहाँ पर, इनफैक्ट कुछ एक्सीलरेशन हो गई यहाँ पर सिस्टम का। सर एक्सीलरेशन में थोड़ा कंफ्यूज हो गया सर, ठीक है सर अभी समझ में आ गया। अब देखो अभी अब आपको एक कुछ केसेस ऐसे भी मिल सकते हैं जहाँ पे आपको ए की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, उस केस में आप क्या करोगे, इसकी पहले इक्वेशन बना लो, इसकी इक्वेशन बनाओगे तो क्या आएगी, 24 माइनस आर इक्वल्स टू मास, यहाँ पे मास कितना है 10 है, ठीक है, तो 10 इंटू बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो ये वाला जो पार्ट आ रहा है आपका, ये वाला जो पार्ट आ रहा है ना, दिस पार्ट, ये है आपका एफ नेट, समझ में आ रही है बात? और उसी तरह यहाँ पर करोगे तो यहाँ पे r कितना आएगा, f net अगेन इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे मास है आपका 2 kg, तो 2 इंटू ए, ठीक है। तो अब जब आप r को यहाँ पे पुट कर दोगे, 24 माइनस 2a इक्वल्स टू 10a, यहाँ पे 20, तो a की वैल्यू देखो यहाँ पे 2 m/s². तो आप ऐसे दो इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 लाइक दिस, ठीक है। चलो अभी एक क्वेश्चन और दो बच्चों, सॉल्व करोगे अभी अपने आप से, एक क्वेश्चन दो बिंदास दीजिए सर। ओके चलो एक क्वेश्चन और देता हूं अभी अपने आप से सॉल्व करो, ठीक सर। सर वापस ऊपर दीजिए ना सर प्लीज। हां बॉक्स का क्या, या हां बोथ द ब्लॉक्स, मतलब बोथ द ब्लॉक, ओके। और सर वो ग्रेविटी कितना मीटर लग रहा है उधर, क्या ले 10 ले लो आप, सर इज माय आंसर करेक्ट, एक सेकंड देख, हमने तो एकदम तुरंत आंसर दे दिया सर, उसने वो पुली का फॉर्मूला लगाया होगा सर, ठीक है जो भी है वो ठीक है सर, करेक्ट है क्या? हाँ नहीं तनिष्क, तनिष्क ना, हाँ सर, नहीं और फिर इसको सॉल्व करो, ठीक है। देखो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर ये 2 kg वाला जो ब्लॉक है ये भारी है ना, इस पे जो नेट एक्सीलरेशन लग रहा है वो ऐसे लग रहा होगा, 1 kg वाला ब्लॉक हल्का है, इसको ऊपर खींच ले, ऐसे तो होता है पुली में, पुली में क्या करते हो आप फोर्स लगाते हो तो बाल्टी ऊपर आते ऊपर आ जाती है ना, योर वॉट एवर थिंग यू आर पुलिंग, ठीक है ओके। तो अब देखो 2 kg वाला जो ब्लॉक है इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो लग रहा है एम जी का फोर्स और दूसरा टेंशन फोर्स, या और दूसरा कौन सा फोर्स लग रहा है, दूसरा लग रहा है टेंशन का फोर्स। वो सर मतलब 1 केजी के ब्लॉक पे 20 न्यूटन्स लग रहे हैं ऊपर के टेंशन में, तो यहां पर mg कितना होगा ये कंसीडर करने भूल गए, अगर हम मास को 2 केजी ले लेते तो यहां पे 20 और ये 2g हो गया, 2g हो गया, ठीक है ठीक है, क्या है चलो 2 * 10 कर देते हैं इसको, व्हिच इज इक्वल टू 20 न्यूटन, ठीक। अब 1 केजी वाले ब्लॉक पर आते हैं, हाँ सर तो वहाँ पे टेंशन भी 20 न्यूटन ही होगा सर, तो नहीं टेंशन अभी यहाँ पे टेंशन 20 न्यूटन थोड़ी ना होगा सर, लेफ्ट साइड में सर, लेफ्ट साइड में, यहाँ पे यहाँ मैंने तो बोला टेंशन सेम रहता है। तो देखो यहाँ पे m डैश कितना हो गया, m डैश हो गया 1 सर, m डैश क्यों लिखते हैं सर, ये मास मैंने 1 लिया ना, अच्छा इसलिए क्या, या तो ये हो गया 10 न्यूटन। अब यहाँ पे एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या है, 2 kg वाले में नीचे की तरफ, सर यहाँ पे एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ, वो सर तो नेट फोर्स 10 न्यूटन होगा ना, नेट फोर्स 10 न्यूटन क्यों होगा, देख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर देखो कितना हुआ, यहाँ पर एफ नेट कितना हुआ, यहाँ पर हो गया 20 होगा क्या माइनस 10 इक्वल्स टू
टेन इंटू ए हो गया कि नहीं हो गया यहाँ पर ये क्या सर मुझे नहीं समझा सर अरे सिंपल सा लॉजिक है ये फोर्स 20 न्यूटन इधर लग रहा है टी इधर लग रहा है तो नेट फोर्स कितना हुआ ये हो गया नेट फोर्स कि नहीं हाँ सर नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है कि नहीं होता है हाँ सर समझा सर तो ये मास 10 केजी है एक्सीलरेशन ए है तो एफ नेट मास इनटू एक्सीलरेशन होगा कि नहीं होगा यहाँ पर हाँ सर होगा सर 10 केजी नहीं है ना मास सर 10 केजी नहीं है सर आई एम सॉरी इधर 20 है ना ओके तो 20 ले लो इसको ठीक है सर 20 भी क्या सर नहीं सर 2 है सर 2 इनटू एक्सीलरेशन है ना ओके ओके आई एम सॉरी 2 है ना तो 2 ले लो जो मास है वो ले लो यहाँ पर सर टोटल में 20 ले लेते सर नहीं नहीं मास जो लेते हैं मास कितना है मास 2 केजी है ना मैंने सॉरी गलती से यहां पर 10 केजी लिख दिया हां सर सर एक बॉक्स है मतलब राइट हैंड साइड का 2 केजी है ठीक है ओके अब यहां पर बताओ क्या इक्वेशन बनेगी चलो बताओ ईशान बताओ क्या यश बताओ आप क्या इक्वेशन बनेगी यहां पर सर इधर सर 20t2a हो जाएगा हां बताओ आर्यन आप बताओ नहीं तो क्या क्या इक्वेशन बनेगी सर इसके तो अंदर सर 20t सर 2a हो जाएगा ये तो ठीक है ये इक्वेशन बन गई अभी यहाँ पर अब फोर्सेस को बैलेंस करके इक्वेशन बनाओ अभी सर तो फिर सर ये 10 हो जाएगा सर माइनस टी हो जाएगा 10 माइनस टी होगा कि टी माइनस 10 होगा सर 20 माइनस टी अपॉन 2 इज माइनस 10 होगा यस 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 नहीं इक्वेशन बनाओ ऊपर जा रहा है ये मेक इक्वेशन फॉर दिस ब्लॉक यहाँ पर कौन सा फोर्स बड़ा है सर आपको पॉइंटर नहीं दिख रहा अरे पॉइंटर छोड़ो दूसरा वाला ब्लॉक देखो चलो ये अभी दिख रहा है पॉइंट हाँ सर हाँ सर हाँ अभी कौन इस वाले ब्लॉक में कौन सा फोर्स बड़ा है सर टी और एमजी टी वाला टी सर इसकी इक्वेशन क्या बनाओगे सर टी माइनस 10 सर टी माइनस 10 इज इक्वल टू 10 मतलब टी माइनस 10 इज इक्वल टू 1 इनटू ए यस टी माइनस 10 इज इक्वल टू 1 इनटू ए ठीक है अब मेरे पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई कौन कौन से दो इक्वेशन सर आपको इसे पता चला सर कि टी 10 न्यूटन से ज्यादा है ओके क्योंकि यहां पे एक्सीलरेशन कहां पर हो रहा है सर ऊपर तो ऊपर अगर एक्सीलरेशन हो रहा है मतलब ये वाला फोर्स बड़ा होगा इसलिए तो ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रही है हां सर ठीक है ओके सो दिस इज 20 माइनस टी इज इक्वल टू 2 इनटू ए ओके एंड दिस इज T minus 10 is equal to 1 into A. अब हम generally यहाँ पे एक pattern ऐसा बनता है कि आप दोनों equations को add कर दो तो आपका answer आ जाता है. ठीक है तो अगर मैं दोनों equation 1 और equation 2 को अगर मैं add कर दूँ तो देखो T और T cancel out हो जाएगा. देखो T और T cancel out हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर होगा सर माइनस टी प्लस टी बच्चों हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यस यहाँ पे क्या बचा 10 बचा कि नहीं बचा 20 माइनस 10 10 बचा दिस इज इक्वल टू 3 इनटू ए बचा हाँ सर तो एक्सेलरेशन कितना हो गया यहाँ पे एक्सेलरेशन इज 10 बाई 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है सर अगर आपको पूछता बॉडी डायग्राम40/3 newtons टेंशन आप न्यूटन में दोगे क्योंकि टेंशन इज अ फोर्स सर ये कैसे क्यों कैसे टेन हाँ सर समझ गया यहाँ पे रख दो या यहाँ रख दो कहीं पे भी रख दो आप भी रख के कर सकते हैं ना कहीं पे भी रख दो वन में रख दो टू में रख दो कहीं पे भी रख लो समझ में आई बात कि नहीं आई आई सर चलो एक क्वेश्चन और दूं अभी आपको यस सर एक क्वेश्चन और दूं यस सर चलो एक क्वेश्चन चलो सोमन आप भी इस क्वेश्चन को जल्दी से आंसर बता दो फिर आप कंटिन्यू करो आप जो सॉल्व कर रहे हो हाँ सर ओके सर
सर बताओ जल्दी से। हाँ बट यस टेल मी सर, ये 5 kg का सर ऊपर आएगा ना सर? मैंने 5 kg नीचे कर दिया, क्या दिक्कत है? तो मूव नहीं होगा क्या? नहीं सर, मैं सर मतलब एक्सेलरेशन सर ऊपर लगेगा ना सर? तो अब आप सोचो कहाँ पे एक्सेलरेशन लगेगा, मैं बताऊंगा बाद में। आप सोचो भी एक्सेलरेशन कहाँ सर पर सर है? पर ऐसा सर मूव भी नहीं होगा ना सर? वो क्यों नहीं मूव होगा? आप पहले इसका इस पे देखो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, इस पर देखो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है? पहले फोर्सेस तो बनाओ, फिर आप डिसाइड करो मूव होगा कि नहीं होगा। बिना फोर्सेस बनाए थोड़ी ना आप बोल सकते कि मूव होगा कि नहीं होगा, ठीक है? फोर्सेस तो बनाओ उस पर। तो इसके ना बच्चों आपको अभी आज जो होमवर्क दूंगा उसको बहुत अच्छे से सॉल्व करने सब बच्चे, तभी आपको समझ में आएगा देखो ये सब टॉपिक्स, ठीक है ना? क्योंकि अगर सॉल्व नहीं करोगे तो फिर समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है? थिंकिंग अप्लाई नहीं करेंगे ना? हाँ यस यस, फिर भूल जाओगे फिर नेक्स्ट क्लास तक। अब देखो ये 10 kg का ब्लॉक है, ठीक? यहाँ पे टेंशन लगेगा सर, टेंशन फोर्स लग रहा है, और भी फोर्स लग रहे हैं यहाँ पर, ऑब्वियसली एमजी और ये भी लग रहा है यहाँ पर। तो ये 10 kg यहाँ पे लिख देते हैं इसको ऐसे। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? एक एमजी का लग रहा है और नॉर्मल तो बैलेंस ही कर देगा। ये तो एक दूसरे को बैलेंस कर देगा, बट स्टिल विल शो दीस फोर्सेस आल्सो, करेक्ट? और कोई चौथा फोर्स लग रहा है यहाँ पर? नहीं सर, नहीं सर, हो गया बस। ओके, तो इसमें एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा सर? राइट साइड पे, क्योंकि वो इस डायरेक्शन की तरफ होगा ना एक्सेलरेशन। तो आप इक्वेशन क्या बनाओगे? टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही इक्वेशन बनाओगे ना? हाँ सर। ओके, अब इस आते हैं इस पर, इस वाले ब्लॉक पर, 5 kg वाले ब्लॉक पर। अब बताओ 5 kg वाले ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? नीचे सर एमजी लगेगा सर, डाउनवर्ड फोर्स, एमजी का फोर्स लगेगा, और कौन सा ऊपर टेंशन लगेगा? ओके, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा इसका? नीचे होगा सर, नीचे। अब इसको थोड़ा सोच के देखो ना, क्या कभी ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या ये इधर की तरफ एक्सेलरेट कर जाए? ऐसा पॉसिबल है क्या अपने आप से? नहीं पॉसिबल है ना? नहीं पॉसिबल नहीं है सर। हाँ, तो ये नीचे की तरफ ही एक्सेलरेट करेगा। चलो अभी कौन बताएगा इसका? चलो ईशान आप बताओ इक्वेशन क्या बनेगा इसका। आप बताओ ईशान क्या इक्वेशन बनेगा सर? सर किसका वाला सर? सर 5 kg वाला, दिस इज 5 kg। हाँ सर, तो सर टी इज इक्वल टू सर 5 × a? नहीं ये तो हो गया, इसका इक्वेशन बनो, t5a हो जाएगा ना? इसका इक्वेशन बनो इसका सर, वो t5a हो जाएगा। किसका सर? इसका, इस वाले ब्लॉक का। सी दिस सर 5 kg वाला, 5 kg वाले ब्लॉक का। यस, तो सर एक्सेलरेशन सर नीचे है सर, मतलब ग्रेविटेशन सर मतलब 10 m/s² ना सर? अरे आप अटेंटिव नहीं थे क्या लेक्चर में? ये सर 5a हो जाएगा ना? चलो बताओ और कौन बताएगा? आर्यन आप बताओगे? चलो बताओ आर्यन क्या इक्वेशन सर? टी सर 5a होगा क्या? टी क्यों 5 होगा? टी क्यों 5 होगा? देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है ना? एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ सर। तो हम क्या बोलेंगे, दिस फोर्स mg माइनस t, ये ma के बराबर होगा कि नहीं होगा? नहीं समझा। ओके, सिंपल सा लॉजिक है, अभी समझो। मान लो यहाँ पे मेरा जो फोर्स नेट फोर्स लग रहा है ना, m कितना है यहाँ पे? 5 है, जी 10 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 10 विच इज 50 newton। 50 newton का फोर्स इधर पे लग रहा है, टेंशन का फोर्स इधर पे लग रहा है, एक्सीलरेशन ये है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? सिंपल सा तो क्वेश्चन है। हाँ सर, मैं बताओ सर। बताओ नील सर, 50 − t इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। यस, इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है बच्चों? फिर से एक बार देखो इसको, इसको अगर मान लो 50 − t वुड बी इक्वल टू 5 है क्या? यस, ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, F1 - F2 is always equal to mass into acceleration.
इसमें क्या डिफिकल्टी है? अगर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ये है, मास इसका ये है, तो एफ वन समझ में आ गया सर, समझा? तो अभी यहाँ पर क्या इक्वेशन बनेगा, 50 माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, हाँ सर, yes, बनेगा सर. 50 माइनस टी, 50 इज इक्वल टू 5 माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, 5 इनटू ए, ठीक है? हाँ सर. अब टी की वैल्यू 10 है, हम उठा के यहाँ पे पुट कर सकते हैं. चलो अगर आपको नहीं भी पुट करनी है तो आप इन लोगों को बेसिस यू कैन पुट इट ओवर हियर. हां सर, वो वैल्यू पुट इक्वेशन. तो अभी चलो देखते हैं पहले इक्वेशन क्या क्या बनी मेरी. एक तो मेरी आई टी इज इक्वल टू 10 टाइम्स है, और दूसरी इक्वेशन क्या बनी, 50 माइनस टी इज इक्वल टू 5 इनटू ए. ये सॉल्व करने का यही एक मेथड है ना? हाँ, आप चाहो तो इसको सर ऐड कर सकते हैं दोनों इक्वेशन को, इसको सब्स्टिट्यूट कर लो, व्हाटएवर यू वांट. ये पूरा जो क्वेश्चन है सर, उसको सॉल्व करने का यही एक है ना? या तो आप चाहते हैं इन दो इक्वेशंस को ऐड कर लो. अब ए कितना हुआ आपका सर? 10/3 सर, 10/3 ना. ए ए एक सेकंड रुको जरा. हां 10/3 10/3 नहीं आ रहा यहां पर. फिर ए आपका सर 10/3 आएगा. ये 50 न्यूटन हो गया ना, ये 5 लिया था ना मैंने, 50/15 आ रहा है. हां सर 10/3 ओके 10/3 हो गया. हां सर, आप डरा ही देते हो. Yes, so 10/3, which is again 10/3 meter per second square. Sir, our tension 100/3 आ जाएगा. बच्चों हाँ, तो tension अब कहाँ पे, अभी आपको पता है t is equal to 10 into a, तो 10 into 10/3, which is 100/3. हाँ सर, समझ में आ गया सर. अभी बच्चों बताओ किसको किसको ये समझ में नहीं आया. I hope अभी आपको समझ में आ गया होगा, तीन questions लिए मैंने. हाँ सर, और प्रैक्टिस करोगे तो और समझ में आएगा फिर सर.